तो अभी हम जीजेयू में मौजूद हैं, जहाँ पर इंटरनल हैकाथॉन का कंपटीशन चल रहा है। तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए टीमों ने प्रॉब्लम्स सिलेक्ट किए हैं जो कि गवर्नमेंट की ओर से लिस्ट की गई थी, उनके सॉल्यूशन लेके टीमें आई हुई है। तो अब हम जानेंगे कि अभी फ़िलहाल हमारे साथ एक टीम मौजूद है कि वो कौन सी प्रॉब्लम पे काम कर रही है और उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला है इसका। तो सर आप बताइए कि आप कौन सी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं अभी। सर हमारा प्रॉब्लम जो नंबर है वो 1726 है। तो उसका मेनली प्रॉब्लम ये था कि जो हम पर PMS स्कीम होती है तो उसमें काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होती है, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम वगैरह इन्वेस्टमेंट होता है, तो और काफ़ी टाइम लग जाता है हमें अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में। तो हमें कुछ ऐसी वेबसाइट क्रिएट करनी है जिसमें हम पेपरलेस जो स्कॉलरशिप है वो उनको प्रोवाइड करें, मतलब एक टाइप से ई स्कॉलरशिप हमें प्रोवाइड करें। टीम नंबर 21 मौजूद है, हम जानेंगे इनसे कि इन्होंने कौन सी प्रॉब्लम सिलेक्ट की और उसका क्या सोल्यूशन निकाला है। टीम के लीडर वंश हमारे साथ हैं। तो सर आपने कौन सी प्रॉब्लम सिलेक्ट की और क्या सोल्यूशन निकाला? एक्चुअली हमने प्रॉब्लम नंबर 1605 सिलेक्ट करी है, एंड वो 1605 प्रॉब्लम नंबर यही है कि वुमेन सेफ्टी हमें बढ़ानी है। किसका यूज़ कर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर। बेसिकली उसमें क्या होगा कि हम CCTV कैमराज में AI सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करेंगे, एंड वो सर्विलियंस कैमराज जो स्ट्रीट्स पर लगे रहते हैं हम ऐसा बना देंगे उस AI कैमरे को, कैपेबल इतना बना देंगे कि अगर क्राइम होने वाला है ना वुमेन के साथ, कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं कि एक वुमेन बहुत अनसेफ है उस टाइम, क्राइम होने वाला है उसके साथ, तो हम नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को पहले ही अलर्ट कर दें कि इसके साथ क्राइम होने वाला है, ताकि एक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन द स्पॉट लिया जाए। क्राइम होने के बाद देखो, अगर क्राइम होने के बाद एक्शन लिया जाए तो कोई फ़ायदा है ही नहीं उस चीज़ का, क्योंकि क्राइम तो हो चुका है, राइट? तो क्यों ना हम क्राइम होने से पहले उसको रोक सकें। साथ टीम नंबर 26 मौजूद है, तो हम उनसे जानेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये लेकर आए हैं। तो टीम लीडर जयशांक मौजूद हैं। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ब्लॉकचेन जो होती है, ब्लॉकचेन में जो एंड यूज़र होता है, जो हमारे ड्रग डीलिंग होती है और जितने भी ड्रग डीलर्स होते हैं और जितने भी ये इलिसिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसमें गलत गलत जगह पे जैसे हमारे डार्क वेब चलते हैं, उन पे क्रिप्टो करेंसी का यूज़ होता है ताकि वो एनोनिमस कर सकते हैं, सारी चीज़ों को दुबका सकते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हीं एंड यूज़र्स को ढूंढना है। हम उसको ढूंढने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस चीज़ों को ढूंढने के लिए अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को एक्सप्लोरर पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। उसके बाद हम अपने कुछ एल्गोरिदम्स का यूज़ करके उनको रियल वर्ल्ड एंटिटी यानी कि जो लोग एक्चुअली में हैं उस चीज़ों के पीछे, उनको हम ढूंढने वाले हैं। ये जो वॉलेट कंपनीज है, क्या उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे क्या इस चीज़ के लिए? ये मिनिस्ट्री के लिए बनाई गई है, हमारी मिनिस्ट्री है, जैसे नार्कोटिक्स मिनिस्ट्री। एग्जैक्टली, जैसे हमारी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, हमने ये जो ये इनिशिएटिव किया है ये सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है। जैसे IP ट्रैकिंग पुलिस वाले करते हैं तो वो सिर्फ उनके पास ऑप्शन होता है ताकि लोगों की प्राइवेसी हर्ट ना हो वहाँ पे, लेकिन जो इलिसिट ट्रांजेक्शन जो गलत जो क्राइम कर रहा है वो लोग पकड़े जाएँ, उन लोगों के लिए ये सिर्फ नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के पास ये फैसिलिटी रहेगी जिससे कि वो उन लोगों को पकड़ सकते हैं जो ये क्राइम के पीछे है। मतलब मिनिस्ट्री ने सोल्यूशन मांगा है, उनके पास एक्सेस है जो वॉलेट्स चल रहे हैं इंडिया में, और उन पे आपका जो ये एल्गोरिदम होगा, जो AI होगा वो लगाया जाएगा। एल्गोरिदम है वो रियल पर्सन को आइडेंटिफाई कर लेगा, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ट्रांजैक्शंस ज़्यादातर कहाँ से कहाँ जा रही हैं, और जो ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी उनकी डिटेल्स गवर्नमेंट को मिल जाएगी। तो अभी हमारे पास हमारे साथ मौजूद हैं टीम नंबर 19 की लीडर जो हैं मुस्कान, इनसे जानेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम पे ये अभी काम कर रहे हैं और क्या सोल्यूशन इन्होंने निकाला है। तो आप कौन सी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं और क्या सोल्यूशन निकाला है? बेसिकली हमारी प्रॉब्लम है पार्सिंग ऑफ डेटा फ्रॉम द सोशल मीडिया फीड्स, और ये NIA के अंडर आती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर। हमारा सोल्यूशन बेसिकली इस पे है, हम दो टूल्स क्रिएट कर रहे हैं, वन इज़ वेबसाइट एप्लीकेशन एंड द अनदर वन इज़ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इसके अंदर क्या रहेगा कि डाटा पार्सिंग काफ़ी विद इन मिनट्स एंड सेकेंड्स हो जाएगी, जिससे NIA को क्लूज मिल जाएंगे, लाइक कोई भी अगर वो केस सोल्व कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। और GJU में 40 से अधिक टीमें जो है सोल्यूशन लेकर आई हैं। SIH 2024 में जो प्रॉब्लम्स दी गई थी उनके सोल्यूशन मांगे गए थे ताकि इन पर काम किया जा सके। जैसे वीमेन सेफ्टी को लेकर अभी एक टीम आई हुई है, उन्होंने एक ऐसा AI सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की है जिसमें कैमरा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले कि किसी वीमेन के साथ कहीं पर क्राइम होने वाला है, तो उसकी जानकारी जो है पुलिस तक पहुंच जाए। आज तकरीबन 25 टीमों ने अपने जो सॉल्यूशंस हैं वो रखे हैं जजेज के सामने, और सोमवार को फिर से जो है बाकी की टीमें अपने सॉल्यूशंस जजेज के सामने रखेंगे। तो देखेंगे कि किन टीमों का सिलेक्शन होता है, क्या वीमेन सेफ्टी और जो बाकी के इश्यूज़ हैं उनका सॉल्यूशन निकल पाता है। तो RNB News India पे बने रहिएगा, ऐसी ही खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं।